वार्म वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान एम्बेपर। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट, इन द लास्ट वीडियो वी हैड आल्सो स्टडी अबाउट हिस्ट्री चैप्टर नंबर सेकंड एंड टुडे इन दिस वीडियो वंस अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओवर हियर अबाउट द हिस्ट्री दैट इज चैप्टर टू अर्ली ह्यूमंस वन एंड दिस इज फॉर डे फाइव। अगर अब तक आपने डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहां आपको हमारे डे वन से लेकर डे फाइव तक के वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप डे फाइव तक के वीडियो को अच्छे से देख लें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जाती रहे। इस नोटिफिकेशन के साथ मैं एक बात आपको बताना बहुत इम्पोर्टेंट यहां समझूंगा, बिकॉज कि जो हमारे स्कूल की ओर से आपको मैसेज गई होगी लास्ट डे तो उस दिन उसमें आपके आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड और इसके साथ साथ एक लिंक गया होगा। उस लिंक को ओपन करके वो लिंक आपको प्ले स्टोर तक ले जाएगी। उस लिंक को ओपन करने के बाद आप महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान का ऑफिशियल ऐप है उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉलेशन के बाद आप उसमें अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जो मिली है यहां से पासवर्ड आपको डालना है। इतने डालने के बाद आपकी जितनी डाटा है स्कूल में, आपके डेट ऑफ बर्थ को छोड़कर बाकी जितनी डाटा है, एडमिशन नंबर, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, किस क्लास में पढ़ रहे हैं, किस सेक्शन में पढ़ रहे हैं, उसके बाद फी स्ट्रक्चर, अब तक तो ये डाटा अवेलेबल थी, लेकिन इसके बाद यदि आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके बाद से आपके जो टेस्ट होंगे वो ऑनलाइन टेस्ट भी होगी। तो ऑनलाइन टेस्ट में यदि आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करना ही है, तो टेस्ट के सारे मार्क्स का डिटेल वहां रहेगा, उस डिटेल्स को भी आप देख सकते हैं। और हमारे अगर रेस्पेक्टेड कोई गार्जियन देख रहे हैं हमें, तो उनसे मेरा निवेदन होगा, आई वुड लाइक टू हम्बल रिक्वेस्ट टू यू दैट यू मस्ट हैव टू डाउनलोड द ऑफिशियल ऐप ऑफ महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। यदि आप वहां से नहीं डाउनलोड कर सकते हैं तो आप प्ले स्टोर में जाए, प्ले स्टोर में टाइप करें महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान पूरे में, लेटर डालें, फुल नेम डालें महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान, उस लॉगो के साथ ऑप्शन में आ जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर लें। यूजर आईडी और पासवर्ड कल आपको गई होगी, उसको आप इंसर्ट करें, मतलब एंटर करें, साइन इन जैसे ही करेंगे तो आप अंदर चले जाएंगे। आपके बच्चे का, अगर एक बच्चे हैं तो एक का नाम होगा, दो हैं तो दो का नाम होगा, दोनों का नाम उसके ड्रॉप डाउन पर ही आप डालेंगे तो सारे बच्चे का नाम आपका आ जाएगा। आप अपने बच्चे की सारी डिटेल्स जान सकते हैं, कितना क्लास में मार्क्स उसको आया है, क्लास में इससे ज्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं, क्लास में इससे कम मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं, पूरे स्कूल में इसकी पोजीशन कितनी, सॉरी पूरे क्लास में इसकी पोजीशन कितनी है, आपने फी कितना जमा किया है। फी आपको जमा करना है तो घर बैठे ही जमा कर सकते हैं, पेफोन हो या किसी भी तरीके से जो ऑनलाइन पेमेंट होती है आप वहां से भी पेमेंट कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं, आपको स्लिप भी मिल जाएगी, सारी सुविधाएं जो मेट्रो सिटी में नहीं होती है। आई मीन टू से कि हमारे डायरेक्टर सर ने हमारे बच्चे या फिर हमारे पेरेंट्स की सुविधा के लिए उन्होंने ये बहुत सारे एक्सपेंस किया है, बहुत सारे खर्चे किए हैं और ये सारी सुविधा आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इन्हें जरूर डाउनलोड कर लें, मतलब जो कल आपको मैसेज गई है महात्मा गांधी के ऐप का, उसको आप डाउनलोड कर लें। अगर आपको उसको करने में कहीं से भी तनिक सी भी यदि प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे ब्रॉडकास्ट से जुड़े हुए हैं, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, अपने ब्रॉडकास्ट के सर से पूछ सकते हैं, वहां भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम स्टैंडर्ड 8 में फिलहाल ब्रॉडकास्ट हैंडल हैं, तो वहां भी आपको मिल सकते हैं, वहां भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या नहीं तो ऑफिस कॉल करके आप पता कर सकते हैं ऐप के बारे में, जहां भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है। एनीवेज जरूर कर लीजिएगा ऐप, क्योंकि ऐप आपके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है बेटा, और अगर रेस्पेक्टेड गार्जियन है तो आपके लिए भी बहुत बेहतर
ऑप्शन है, इसे जरूर आप डाउनलोड कर लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डे फाइव में चर्चा करेंगे दो टॉपिक के बारे में, ह्यूमन डिस्कवर्स फायर और अर्ली रॉक पेंटिंग। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि टूल्स बनाए कैसे जाते थे, दो तरीका हम लोगों ने देखा था टूल्स बनाने का, उसके यूजेस क्या क्या होंगे। अगर टूल्स बनाने की यूजेस पूछे कि यूज क्या क्या है बेटा, तो क्या यूज बताएंगे हम लोग। सिंप्लीफिकेशन से आसानी से हम लोग ये कह सकते हैं कि टूल्स का प्रयोग जानवरों को मारने के लिए किया करते थे, गड्ढे खोदने के लिए करते थे, पेड़ की डालियों को काटने के लिए करते थे, ब्रांच के काटने को के लिए करते थे, तो मतलब इन सब चीजों के लिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए करते थे, ताकि कोई जानवर आक्रमण करे तो उसको मारे गए, तो इन सब चीजों के लिए वो टूल्स का प्रयोग करते थे। दूसरा एक नया टूल्स बनाने के लिए टूल्स का प्रयोग करता था। तो ये सब कुछ यूजेस हैं, इन सब यूजेस के साथ आज जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा उसमें ह्यूमंस डिस्कवर्ड फायर, मतलब आपका आविष्कार कैसे हुआ, और साथ ही साथ जो रॉक पेंटिंग था, मतलब पुराने समय में जो रॉक की पेंटिंग होती थी, पत्थरों पर जो पेंटिंग की जाती थी वो कैसे पेंटिंग होती थी बेटा, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है बेटा सर कि ह्यूमन डिस्कवर्स फायर, कैसे फायर किया, तो जितनी अदर फायर को डिस्कवर किया, जितनी भी डिस्कवरीज हैं उन सारी डिस्कवरीज में से फायर एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। आप यकीन मानिए, एक बार सोचिए, इमेजिनेशन कीजिए कि आपको कच्चा मीट दे दिखाने के लिए, कच्चा मटन दे दिखाने के लिए, कच्चा मांस दे दिखाने के लिए, और आपको पकाकर देंगे, जो मीट खाने वाले उनको मैं कह रहा हूं, जो नहीं खाने वाले कच्ची सब्जियां खाकर देखिए, कच्चे आलू खाकर देखिए, पके हुए आलू खाकर देखिए, तो एक बार कच्चे मटर को खाइए, उस वक्त तो मीट ही खाते थे लोग ना, रॉ मीट ही खाते थे, तो कच्चे मीट को खाकर देखिए और एक बार पके मीट को खाकर देखिए, तो आप हालांकि अभी तो हैबिटेट्स भी आप नहीं होंगे, तो आपको बहुत बुरा लगेगा, कम स्वादिष्ट लगेगा, खा सकते हैं लेकिन स्वादिष्ट कम रहेगा। ह्यूमन बींग्स ने कच्चे मीट को खाते तो थे ना बेटा, खाते थे, लेकिन उसकी स्वादिष्ट टेस्ट जो थी वो कम होती थी। जैसे आग लग, आग का आविष्कार हो गया, तो ऑब्वियसली इसका यूजेस तो मैं बताऊंगा, लेकिन आग का आविष्कार हुआ कैसे, इस पर बहुत सारा कंफ्लिक्शन है, कंफ्लिक्शन है मतलब विवाद है, क्योंकि अर्ली ह्यूमन में मैं भी नहीं था, हमारे दादाजी भी नहीं थे, अब कई सेंचुरीज पहले की घटना है, हजारों हजार पहले सेंचुरी घटना, जब अर्ली ह्यूमन हुआ करते थे उस वक्त का कोई इंसान ही नहीं है जिससे पूछ कर बताया जाए कि वास्तव में कैसे आविष्कार हुआ, तो ऐसा माना जाता है, शायद हमने यहां लिखा भी है परहैप्स, परहैप्स का मीनिंग होता बेटा शायद, ये दिख रहा है, ओह माय गॉड, परहैप्स का मीनिंग होता है शायद, अब तो दिख रहा होगा, शायद लिखा हुआ है उसका, यहां लिखा था ह्यूमंस डिस्कवर्ड फायर, एक बार यदि लाइट डिम होती है कभी तो आप उसका स्क्रीन शॉट जरूर लेने। परहैप्स टू फिलिट्स वेयर रब्ड, जब दो लोहे के टुकड़े को आपस में रगड़ा गया तो उससे चिंगारियां निकली, ऐसा माना जाता है, शायद ऐसा ही हुआ होगा, और उस चिंगारी के आसपास कुछ सूखे पत्ते रहे होंगे या लकड़ियों की कुछ सूखे टहनियां रही होंगी जिसमें पत्ते रहे होंगे, उस चिंगारियों ने पत्तों में आग पकड़ ली, आग पकड़ लेने के बाद वहां से आग का आविष्कार होता है, लोगों को या आदि मानव को या उस वक्त के अर्ली ह्यूमंस को पता चला कि आग भी होती है। हमने एक क्लास में कहा था, आपके क्लास में शायद नहीं होगी, बहुत सारी डिस्कवरीज आज भी दुनिया में ऐसी है जो मुझे पता नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है कि उसके बारे में पता कर पाए, पर धीरे धीरे हम बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो रहे हैं, धीरे धीरे जान रहे हैं। तो उन सूखे पत्तों में क्या हो गया, फ्लिंट, मतलब एक पत्थर का दूसरे पत्थर पर अगर रहे थे क्या हो, चिंगारियां निकली, चिंगारियां जब आसपास के में पड़े सूखे पत्तों पर पड़ी तो आग पकड़ ली होगी, एक तो वो कॉजेस होता है। दूसरा कॉजेस कहा जाता है कि शायद हो सकता है कि उस वक्त तो पेड़ पौधे बहुत घने हुआ करते थे, एक पौधे दूसरे पौधे से बहुत अटैच होता था, मतलब सटा होता था, जब आंधियां तूफान दे जाते थे दोनों आपस में हिलने लगते थे तो रगड़ होती होगी, जब रब्ड होता होगा आपस में धीरे धीरे हॉट हो जाता होगा, जिसके कारण बहुत सारे पेड़ के ऊपर के छाले जो होते हैं उसमें आग पकड़ ली होगी, तो जंगल के जंगल में आग लग गई होगी। तो ये एक है आविष्कार के समय में, मतलब आग के आविष्कार के बारे में ऐसी कुछ बातें कही जाती है।
अब जैसे जैसे समय बीतता गया, आग के बारे में लोग जानते गए, आदि मानव आग के बारे में बहुत अच्छे से परिचित होते चले गए, उसके यूजेस के बारे में जानने लगे कि आखिर आग का यूज कैसे होगा। तो आग का यूज वो लोग करते थे पहला कि रॉ मीट को पका कर खाने लगे, क्योंकि रॉ मीट को जब एक बार पका कर खाए, मतलब जब आग लगी होगी जंगल में तो बहुत सारे जानवर की मृत्यु हो गई उसमें, उस जानवर के मीट को जब वो खाया तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगा होगा, उसके बाद से सारे रॉ मीट्स को पका कर खाने लगे। दूसरी बात है आग का प्रयोग वो लोग जानवरों को भगाने के लिए भी करते थे, क्योंकि जानवर वगैरह भी तो आज तक नहीं देखा था, उसे भी आग से डर लगती थी, तो ह्यूमन बींग्स अपने केव के आसपास आग जलाकर रखते थे ताकि जानवर इससे दूर रहे, इससे दूर भाग कर रहे, इन सब चीजों के लिए वो आग का प्रयोग करने लगा। आज तो आग का प्रयोग जनरली विदाउट अग्नि कहा भी जाते हैं, जाता है हमारे अलग अलग स्पिरिचुअलिटीज में इम्पोर्टेंस ऑफ अग्नि के बारे में कि आखिर क्या है फायर की इम्पोर्टेंस। एनीवे बेटा, इस तरह से फायर का डिस्कवरीज होता है। एक तो हमने क्या कहा, द रबिंग ऑफ टू फिलिम्स, दो फिलिम्स के रबन के बाद, और एक हमने क्या कहा कि आंधी तूफान आई होगी तो हो सकता है प्लांट्स आपस में टकराया होगा, लगाई होगी तो उसके कारण ये आपका डिस्कवर हुआ होगा। तो सर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं अर्ली रॉक पेंटिंग। बहुत सारे अभी ये सब आर्कोलॉजिकल वर्क है, आर्कोलॉजिकल मतलब पुरातत्वविद का नाम है, पुरातत्व मतलब जो पुराने समय के बारे में हमें बताता है उस लोगों को पुरातत्वविद कहते हैं, आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आर्कोलॉजिस्ट को खुदाई करने के बाद से या फिर बहुत सारे रॉक पेंटिंग उसको मिले, तो रॉक पेंटिंग से उन्होंने क्या कहा कि आदि मानव जो है पेंटिंग करते थे, तो और पेंटिंग क्यों करते थे, तो शायद perhaps they were painting on the rocks to show or express their feelings, अपने feelings को शो करने के लिए, बताने के लिए वो रॉक पेंटिंग करते थे। हमने यहां लिखा भी होता perhaps they paint to show or express their feelings, शायद वो अपने feelings को एक्सप्रेस करने के लिए रॉक पेंटिंग किया करते थे। अब जरा देखिए वो तो फीलिंग को शो करने के लिए, हो सकता है कोई सेरेमनी वगैरह होती होगी, मतलब शादी विवाह तो इस तरह की कुछ सभ्यता थी नहीं, लेकिन कुछ सेरेमनी कुछ मनाता होगा, सेलिब्रेशन करता होगा, उस सेलिब्रेशन में भी रॉक पेंटिंग वो लोग करते होंगे। तो ये सब कुछ काउजेस हैं रॉक पेंटिंग की, रॉक पेंटिंग आखिर होती क्यों होगी और कहां से आदि मानव से आरंभ हुई। सर उस सब सारे रॉक पेंटिंग में से एक रॉक पेंटिंग है भीम बेट का रॉक पेंटिंग, भीम बेट का इसका इम्पोर्टेंट रॉक पेंटिंग है बेटा इन आवर कंट्री, हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण रॉक पेंटिंग है जो कि मध्य प्रदेश में है, ये भीम बेट का रॉक पेंटिंग। तो भीम बेट का रॉक पेंटिंग के बारे में अगर जाने तो एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में अभी हम लोग नहीं जानेंगे, अगले वीडियो में हम आते हैं और आपसे डिटेल से चर्चा करेंगे इस रॉक पेंटिंग में, भीम बेट का रॉक पेंटिंग के बारे में बेटा नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक यही हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा विराम, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना रखिएगा ख्याल, और यदि वीडियो में आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आई होगी, समझने में कहीं से भी थोड़ी सी भी दिक्कत है बेटा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां हम आपका आंसर देंगे। और हाँ, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके मन में यदि आ रही हो, कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी मैथ साइंस इंग्लिश उर्दू किसी से भी आ रही बेटा, आप हमारे ब्रॉडकास्ट में जाएं, ब्रॉडकास्ट पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं वहां मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप जब 24 आवर्स हम आपके लिए खड़े हैं, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, कॉल का आंसर हम आपको देंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में बेटा, और हाँ कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब के बारे में बता ही दिया, शेयर जरूर कीजिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा व्यूज हो ताकि उनका भी घर बैठे पढ़ाई हो सके, आपके दोस्तों का भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल, घर रहिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।